हेलो बेटा, आज हम लोग तीन एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। एक्स को कमीशन देना है 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। एंड वाई इज टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। वाई को 10% देना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बेस पे। नेट प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 वाज 55,000। नेट प्रॉफिट हम लोगों को एनपी 55,000 दिया हुआ है। फाइंड द कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई, आल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से देखेंगे बेटा आप लोग, ये हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। नेट प्रॉफिट 55,000 है। नेट प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में आता है। सबसे पहले एक्स को कमीशन देना है। कितना देना है? 10% बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100। सिंपल, प्रॉफिट हमारा 55,000 इनटू आर, मतलब रेट हमको दिया हुआ है 10 अपॉन 100, 5500। ये एक्स का कमीशन होगा। फर्म एक्स को कमीशन दे रहा है, मतलब ये फर्म का एक्सपेंस है 2x कमीशन 5500। वाई को कमीशन कितना देना है? 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग की फॉर्मूला होती है प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर। आफ्टर चार्जिंग मतलब ये भी कमीशन अपन को निकाल देना है। तो 55,000 में से पहले ये 5500 माइनस करेंगे। 55,000 माइनस 5500 बचा 49,500 इनटू आर। वाई को कितना कमीशन देना है? 10 अपॉन 100 प्लस आर, मतलब 100 प्लस 10 110। तो 49,500 इनटू 10 डिवाइड बाय 110, वाई का कमीशन 4500। यहां पे लिखेंगे तो वाईस कमीशन 4500। 55,000 डिफरेंस निकालेंगे। 55,000 माइनस 5500 माइनस 4500, 45,000 टू कैपिटल अकाउंट। उसको दोनों पार्टनर्स एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो नहीं दिया तो इक्वल रेशो में डिवाइड बाय 2, 22,500। ओके बेटा, बिफोर चार्जिंग में सिंपल फॉर्मूला प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग में प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर। 55,000 प्रॉफिट था, उसका 10% कमीशन दे दिया हम लोगों ने एक्स को। 55 में से 5500 माइनस करने के बाद प्रॉफिट बचा 49,500, उसका आर अपॉन 100 प्लस आर। वाई का कमीशन है 10, तो 10 अपॉन 100 प्लस 10, 4500, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आज हम लोगों को तीन एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं। एग्जांपल 14 मैंने डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 में दिया हुआ है कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन जॉइंट्स बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन जॉइंट्स एट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन जॉइंट्स हमको दिया हुआ है 15% ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। अब पार्टनर ड्रू एज फॉलोस। एक पार्टनर ने कुछ इस तरीके से ड्राइंग की है। पहली ड्राइंग से उसकी 1/5/2018 पे 2000 रुपए की। दूसरी ड्राइंग से 1/8/2018 पे 5000 की। तीसरी ड्राइंग से
30 सितंबर 2018 पे 2000 की 31st, उसके बाद 31st जनवरी 2019 पे 6000 की और 31 मार्च 2019 पे 2000 की। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग सिंपल मेथड करेंगे। अब सिंपल मेथड में जो उसका पहला ड्राइंग से 1/5/2018 उसने 2000 का ड्राइंग किया है इनटू 15% 15 से लेके 31 मार्च तक कितने महीने वो हमको काउंट करना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 11 month into 11 upon 12, 2000 into 15% into 11 divided by 12, 275। दूसरा उसका ड्राइंग्स है 1/8/18 पे 5000 का इनटू 15% इनटू 1/8, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 months इनटू 8.12, 5000 इनटू 15% इनटू 8 divided by 12, 500। तीसरा 39/18 पे 2000 इनटू 15% इनटू 39 मतलब 10, 11, 12, 1, 2, 3 छह महीना इनटू 6 upon 12, 2000 इनटू 15% इनटू 6 divided by 12, 150। नेक्स्ट 31/119 कितने का ड्राइंग से 6000 इनटू 15% 31/1 मतलब पीछे दो ही महीना बचा, सेकंड एंड थर्ड फेब एंड मार्च 2/12, 6000 इनटू 15% इनटू 2 upon 12, 150। देन 31/3/2019 2000 इनटू 15% इनटू 31/3 ये भी कंप्लीट हो गया 0 upon 12, 0। इन सब का टोटल करेंगे 275 + 500 + 150 + 150, 1075 ये हमारा इंटरेस्ट होगा। ये सिंपल मेथड जो हम लोगों ने सीखी हुई है ऑलरेडी। दूसरी मेथड है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, अमाउंट है 2000 मल्टीप्लाई कितने मंथ थे 11, 2000 इनटू 11, 22000। नेक्स्ट 5000 इनटू कितने मंथ थे 8 months, 40000। फिर नेक्स्ट 2000 इनटू कितने मंथ बाकी रहे थे 6 मतलब 12000। नेक्स्ट 6000 इनटू कितने मंथ बाकी रहे थे 2 12000। 2000 इनटू 0 मंथ बाकी था तो 0, टोटल करेंगे 22 + 40 + 12 + 12, 86000। अब इसका हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 86000 इनटू 15% इनटू 1 upon 12। इसमें एक महीने का निकालेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मंथ का प्रोडक्शन कर चुके हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी मंथ को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग एक महीने के एवरेज के हिसाब से इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 86000 इनटू 15% इनटू 1 divided by 12, 107। दोनों में से कोई भी मेथड से जाएंगे हमारा आंसर सेम आएगा। ये मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मेथड मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस मेथड में क्या करना है, जो भी अमाउंट है उसको उसके महीने के साथ मल्टीप्लाई करना है, जितना भी महीने बचे टोटल 86000 इनटू 15% एक महीने के एवरेज के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे 1075। ये हमारा एग्जांपल 16 कंप्लीट हुआ। अब आज का हम लोग तीसरा एग्जांपल जा रहे हैं, आज का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 23, जिसमें हम लोगों को कई सारी जनरल एंट्रीज करनी है।
example 23, x and y are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3. X और y दो partners हैं, उनका ratio है 2:3 with capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. X का capital 2 lakh है, y का capital 1 lakh है. Pass the necessary journal or entries for distribution of profit and loss for the year ended 31st March 2019 in each of the alternative cases. सबसे पहले केस नंबर 1. If partnership B is silent as to interest on capital and profit for the year is ₹20,000. बेटा अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी. हम लोग सिर्फ और सिर्फ 20,000 का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000 और अब इसको हम लोग दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई 20,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 20,000 इंटू 2/5 मतलब 8,000 एंड 12,000. ये हमारा केस नंबर 1. केस नंबर 2 देखते हैं. अब केस नंबर 2 में उन्होंने क्या लिखा हुआ है. केस नंबर 2 कह रहा है इफ पार्टनरशिप बी प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज ₹15,000. अगेन भले पार्टनरशिप डीड में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है लेकिन फर्म का लॉस है ना, तो ऐसे सिचुएशन में फर्म कभी भी उनको इंटरेस्ट नहीं देगी. तो सीधा हम लोग लॉस की एंट्री करेंगे. लॉस एक्स और वाई को बेयर करना है तो एक्स अकाउंट डेबिट है, वाई अकाउंट डेबिट है टू प्रॉफिट एंड लॉस. लॉस हमारा 15,000 है, उसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब 5, 5, 3, 2, 6,000 और 9,000. फर्स्ट वाले केस में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन ही नहीं था तो हम लोगों ने उसकी एंट्री नहीं की, सीधा हम लोगों ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कर दी. केस नंबर 2 में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है लेकिन फर्म को लॉस हुआ है. तो जब फर्म लॉस करती है तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है. वो लॉस जो भी होता है वो सीधा का सीधा पार्टनर्स को बेयर करना होता है. पार्टनर्स को बेयर करना है, लॉस है तो इसीलिए डेबिट करेंगे. एक्स अकाउंट डेबिटेड, वाई अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल. 15,000 का लॉस है वो एक्स और वाई 2:3 में बेयर करेंगे. केस नंबर 3 क्या कह रहा है. केस नंबर 3 इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000. 21,000 का प्रॉफिट है और हमको 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जितना भी हमारा प्रॉफिट है 21,000. सिंपल, पहले प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल देंगे. अब 6% हमको इंटरेस्ट निकालना है. इंटरेस्ट फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको किसको इंटरेस्ट देना है, एक्स और वाई को. 2 लाख का कैपिटल, उसका 6% मतलब 2 लाख इंटू 6% एक लाख इंटू 6% मतलब 6,000. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000. ध्यान से देखना बेटा, केस नंबर 3 क्या कह रहा है. इफ पार्टनरशिप डी प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000. तो पहले प्रॉफिट की एंट्री की, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 21,000, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देता है, ये फर्म का एक्सपेंस है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स टू वाई, 2 लाख का 6%, 1 लाख का 6%. एंट्री नंबर 3 इसको हम लोग क्लोज करते हैं पीएनएल में. तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000. आपको ये दो एंट्रियां नहीं करनी है ना, तो आप एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई, हम लोग कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं. फोर्थ नंबर एंट्री,
हमारा 21,000 का पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट था, उसमें 18,000 रुपया हमारा इंटरेस्ट का चला गया, बाकी बचा 3,000 रुपया। ये 3,000 हमारा फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट है जिसको हम लोग एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स टू वाई, बचा 3,000, उसको एक्स और वाई में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 मतलब 1200 एंड 1800। एक बार केस 3 को फिर से डिस्कस करेंगे। पहले 21,000 का प्रॉफिट था तो उस प्रॉफिट को क्लोज किया पीएनएल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। फर्म को फर्म जो है वो 6% इंटरेस्ट दे रहा है एक्स और वाई को, फर्म का एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स वाई 6% दोनों का निकाल दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको क्लोज किया तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 21,000 का प्रॉफिट, 18,000 का हमारा एक्सपेंस, बाकी 3,000 बचा, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड 3,000, उसको एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या लिखा है, इफ पार्टनरशिप डी प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब हमको किसके ऊपर निकालने के लिए बोला है, प्रॉफिट के ऊपर निकालने के लिए बोला है, तो सीधा हम लोग पहले एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स टू वाई, 6% हमको इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, 2,00,000 का 6% मतलब 12,000, 1,00,000 का 6% मतलब 6,000, 18,000 रुपया। उसके बाद सेकेंड नंबर एंट्री होगी, क्या लिखा हुआ है, इफ पार्टनरशिप डी प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000, और प्रॉफिट हम लोगों को 20,000 दिया हुआ है, इसको पहले अब क्लोज करेंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000, 18,000। एंट्री नंबर थर्ड, देखो यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किसमें क्लोज किया था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं लिखा था। केस फोर में चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम लोगों ने पीएनएल में क्लोज कर दिया। तो अब हमारा जो प्रॉफिट था केस फोर के हिसाब से वो 20,000 था, उसमें से 18,000 का हमारा प्रॉफिट चला गया, बाकी बचा 2,000, तो उसकी एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन 2,000, 2,000, एंड एंट्री नंबर 4 पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स टू वाई, 2,000 को 2:3 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 800 एंड 1,200। दोनों क्वेश्चंस में फर्क है, परसेंटेज सेम है, लेकिन यहां पे हमको पहले अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, फिर इंटरेस्ट निकालना है, फिर बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि यहाँ पे क्या करना है, हमको चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, उसको पीएनएल में क्लोज करेंगे, बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, और उस बचे हुए प्रॉफिट को हम लोग दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, केस 5 में इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब हमको 6% निकालना है, तो अगेन चार्ज ऑन प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम 6% है, 2x 2y, x में 12,000, y में 6,000, 12 और 6 18,000। एंट्री नंबर 2, इसको क्लोज करेंगे, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। आगे बढ़ते हैं, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,000। अब प्रॉफिट सिर्फ 2,000 है, उसमें से हम लोगों ने 18,000 तो दे दिया, इसका मतलब 16,000 का लॉस आया। अब ये लॉस एक्स और वाई बेयर करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिटेड, वाई अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल, 16,000 का लॉस
x और y 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6400 and 9600। ठीक है बेटा, पहले की दोनों एंट्रियां कॉमन रही, सेम इंटरेस्ट हम लोगों को देना है, चार्ज ऑन प्रॉफिट बोला हुआ है, पीएनएल में से देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स वाई 18,000, 12,000, 6,000 ऑलरेडी निकाला हुआ है, इसको क्लोज किया, पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,18 आया, हमारा प्रॉफिट 2,000 है, उसमें 18,000 हम लोगों ने इंटरेस्ट का दे दिया, मतलब 16,000 का लॉस है, तो जो लॉस है वो दोनों पार्टनर्स बेयर करेंगे, एक्स वाई टू पीएनएल 16,000 उसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लास्ट केस नंबर 6, इफ पार्टनरशिप डी प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो पहली एंट्री सेम चार्ज ऑन प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2x टू y, सेम परसेंटेज है 18,000, 12,000, 6,000, अब इसको क्लोज करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000, 18,000, अब देखते हैं प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 18,000, 18,000 का प्रॉफिट और वही 18,000 हम लोगों ने इंटरेस्ट में दे दिया, मतलब कुछ भी नहीं बचा, आगे कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये जो हम लोगों ने लास्ट के 3 केस डिस्कस किए, यहाँ पे क्या था, हमारा 2,000 का प्रॉफिट बच रहा था तो उसको हम लोगों ने एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे लॉस आ रहा था, केस नंबर 5 में इंटरेस्ट देने के बाद लॉस आ रहा था, वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और केस नंबर 6 में नो प्रॉफिट नो लॉस, तो सिर्फ और सिर्फ दोनों हमारी इंटरेस्ट की एंट्रियां आएंगी। आज इतना ही बेटा, हम लोगों ने आज के वीडियो में 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, थैंक यू बेटा।